क्या हुआ? टायर फटा? नहीं, कोई पिटा। कौन पिटा? राहुल जी। India's ruling party, the Bharatiya Janata Party, has secured a clear win in three states, namely Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The BJP is leading in three of four states in key regional polls, indicating a big boost for Prime Minister Narendra Modi. और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। कह रहा हूँ, कैसे हैं? मेहनत बहुत की है लेकिन ये तो होता रहता है। खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की जीत बहुत ही आसान लग रही थी, वहां भी बिल्कुल वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। ये कोई जिंदगी है? इनफैक्ट 2011 से कांग्रेस ने जहां पर भी गवर्नमेंट बनाई है वहां पर कभी भी रिपीट नहीं की, और उल्टा इस समय पे ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के और उसे फिक्स करने के बजाय काफी इंटरेस्टिंग रीजंस दे रहे हैं अपनी हार के। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, ऑल्सो द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, हैज नाउ ब्लेम्ड ईवीएम फॉर लॉस इन एमपी। द पावर ऑफ दिस बीजेपी इज ओनली विनिंग इलेक्शंस एंड मेनली इन द हार्टलैंड स्टेट्स ऑफ हिंदी एंड व्हाट वी जनरली कॉल एज द गोमूत्र स्टेट्स। तो आइए आज की वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि किन बड़े फैक्टर्स के वजह से बीजेपी जीती, इन इलेक्शन से हम क्या बड़े टेक अवेज ले सकते हैं 2024 के इलेक्शन के लिए, और क्यों मैं कहता हूं कि ये इलेक्शन शायद 2024 का एक तरह से ट्रेलर है। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो हाल में ही 5 असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। देखिए 2024 में नेशनल इलेक्शंस तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ हर साल 3 या 4 स्टेट में इलेक्शन होते ही रहते हैं, तो बेसिकली ये धंधा बस परमानेंटली चलता ही रहता है। लेकिन देखिए इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को और जो इन पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शंस को कवर करते हैं उस मीडिया को डेटा एनालिस्ट की जरूरत है जो इलेक्शन को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट और उसे एक्यूरेटली एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन डेटा एनालिस्ट की सिर्फ यहां पर जरूरत नहीं है, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की स्पोर्ट्स एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, मेडिकल फील्ड, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट में उनकी डिमांड है। लेकिन इस सेक्टर में प्रॉपरली स्किल्ड लोगों की कमी है और इसलिए आपके पास है अपॉर्चुनिटी। और जैसे बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दबोचा, उस तरह से अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को दबोचना चाहते हैं तो scaler.com आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। ये एक ऑनलाइन टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने ड्रीम करियर के लिए जरूरी स्किल्स सिखाता है। scaler.com का फोकस है इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और कॉलेज स्टूडेंट्स को टॉप क्लास डेटा साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाना। स्केलर में इंस्ट्रक्टर्स टॉप कंपनी से आते हैं जो आपको रियल वर्ल्ड टेक डोमेन का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ आपको 80 से ज्यादा रियल वर्ल्ड केस स्टडीज का भी एक्सेस मिलेगा। 93.5% लर्नर्स जो scaler.com पर आते हैं उन्हें टॉप टेक प्रोडक्ट कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक और Amazon में प्लेस किया जाता है। हर एक स्केलर स्टूडेंट को पर्सनल डाउट रेजोल्यूशन और one-on-one मेंटरशिप भी मिलती है इन्हीं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, जो करियर एडवाइस के साथ साथ आपको इंटरव्यू की तैयारी में भी हेल्प करते हैं। मीनिंग राहुल गांधी की तरह ही आपके पास भी एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम मौजूद है। तो क्यों ना आप भी scaler.com पर जाकर एक फ्री लाइव क्लास बुक करें और अपने टेक करियर को एक नया मोड़ दें। साथ ही साथ आपको मास्टर क्लास का ऑप्शन भी मिलता है जहां पर एक सब्जेक्ट को बहुत इन डेप्थ तरीके से पढ़ाया जाता है, और ये मास्टर क्लास आपको सिर्फ डेटा साइंस में ही नहीं बल्कि मशीन लर्निंग जैसे फील्ड्स में भी पढ़ाई जाती है। अगर आपको ये कोर्स पसंद आता है तो कोर्सेज के लिए इजी EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, 2-2 साल के लिए बिल्कुल 0 इंटरेस्ट के साथ। तो अगर ये फील्ड आपको इंटरेस्टिंग लगती है और अगर आप इस फील्ड में बढ़ती हुई डिमांड को भरना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और scaler.com को चेकआउट करके जरूर साइन अप करें। एंड फाइनली गाइस, बिफोर आई गो, मेक श्योर कि नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप scaler.com को जरूर चेकआउट करें और अपने करियर को भी स्काईरॉकेट करना शुरू करें। और इस हफ्ते अनफॉर्चुनेटली इटली की 2 बड़ी हार हुई है। अंकोर वाट इटली के पोम्पेई को हराकर ऑफिशियली दुनिया का 8th वंडर बन गया है, और अभी इंडिया के असेंबली इलेक्शंस में इटली की बेटी और इटली के बेटी के बेटे को भी हार का सामना करना पड़ा है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। 5 स्टेट्स में से 3 स्टेट्स में बीजेपी क्लियर विनर की तरह उभर कर आई है और एक स्टेट में उसके कोलिशन पार्टनर गवर्नमेंट बनाने वाला है। मध्य प्रदेश में, जिसमें कई एक्सपर्ट्स कांग्रेस की कंफर्टेबल मेजोरिटी प्रेडिक्ट कर रहे थे, उसमें
बीजेपी को 163 सीटें आई हैं और कांग्रेस को 66 आई हैं। राजस्थान में कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी और यही हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो लोग कह रहे थे कि भैया कांग्रेस की ही गवर्नमेंट आने वाली है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी की 54 सीट्स और कांग्रेस की 35 सीट्स आई हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, 64 सीट्स के साथ गवर्नमेंट बनाई है, लेकिन इसमें भी बीजेपी का नुकसान नहीं हुआ बल्कि इंडिया अलायंस के पार्टनर बीआरएस का नुकसान हो गया और उनके लीडर केसीआर जो तेलंगाना में चीफ मिनिस्टरशिप के बलबूते पर प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने देख रहे थे, अब उनकी खंडरों का मिनिस्टर बनने की भी हालत नहीं रह गई। उनका सारा का सारा वोट उनके अलायंस पार्टनर ही खा गए। इनफैक्ट बीजेपी ने तो तेलंगाना में गेन किया है, पिछली बार उनको एक सीट मिली थी और इस बार 8 मिली है। अब देखिए, भले ही कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई हो, लेकिन कांग्रेस को मैं कुछ तारीफ देना चाहता हूँ, खासकर उनके लीडर राहुल गांधी जी को मैं तारीफ देना चाहता हूँ। इनकी ट्विटर की फोटो देखिए, ये पॉलिटिक्स के राजा बाबू हैं, हर फील्ड में इनको एक्सपर्टीज है, चाहे गाड़ी रिपेयर हो, एग्रीकल्चर हो, इंजीनियरिंग हो, हर चीज में एक्सपर्ट है भाई साहब। और उसके सामने जो टेक्स्ट देखेंगे वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, भले ही बीजेपी के अंडर हो लेकिन भारत को जोड़ तो रहे ना, प्रॉमिस तो फुलफिल कर रहे ना। इन्होंने मोदी जी को क्रिकेट टीम के लिए पनौती बोला था, लेकिन कम से कम मोदी जी अपनी पार्टी के लिए तो पनौती नहीं है। इलेक्शंस के पहले देखिए राहुल गांधी जी ने क्या क्या कहा था। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, आप देख लेना वहाँ पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने आ रही है। इतना गलत कैसे हो सकता है? अब राहुल गांधी जी की इन असेंबली इलेक्शंस में भविष्यवाणी का क्या हालत हुआ वो तो हमने देख लिया। और भी भविष्यवाणी बाय द वे राहुल गांधी जी ने कर रखी है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी ऑर्डर कर बैठी हुई है। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही है। सॉरी, उल्टा बोल दिया। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी पे इतना हमने टाइम डाल दिया है, लेकिन हमको आम आदमी पार्टी जैसी मेन स्ट्रीम पार्टीज को नहीं भूलना चाहिए। बेचारे दम हर जगह लगाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हर जगह इनका डिपॉजिट जब्त हो जाता है। और देखिए, इलेक्शन के बाद क्या हुआ वो तो आप सब जानते हैं। I've been noticing a lot of you are typing moe 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 on the YouTube comments and I was wondering ये क्या चीज़ है moe moe? Moe moe, moe moe. अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, बीजेपी की जीत के लिए भावनाओं की गलती है। मैं कहती हूँ कि भारत में अब चुनाव भावनात्मक चुनाव हो रहे हैं, इमोशनल वोटिंग हो रही है, जिसमें आप ये नहीं देख रहे, अंधी मोहब्बत है। और भी कमाल कमाल के ओपिनियन है, सुन लीजिए। दिस इज अ ब्लो फॉर डेमोक्रेसी एंड आई विल टेल यू व्हाई। नो नो, आई विल टेल यू व्हाई। नो, आई विल टेल यू व्हाई। नो, आई टेक एक्सेप्शन टू दैट। पीपल ऑफ दिस कंट्री आर वोटिंग एंड यू आर सेइंग दैट डेमोक्रेसी। लेट मी आंसर नाउ, लेट मी। जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया वो राक्षस है। ए, बोलने दे, बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे। अगर आपने मिस कर दिया था तो इंडिपेंडेंट मीडिया के बड़े बड़े फिगर्स भी साथ में मिलके इन इलेक्शन रिजल्ट्स को कवर कर रहे थे। आइए जरा उनके रिएक्शन भी देखते हैं। यू कैन डांस, यू कैन स्ट्रिप इन टेंपल्स, यू कैन वेयर धोतीज, यू कैन पुट टीकास, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। डोंट स्ट्रिप इन टेंपल, आई मीन स्ट्रिप डाउन टू टेंपल जनेऊ एंड ऑल यू वांट टू डिस्प्ले योर सडनली शिव भक्ति, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच। बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए, मीडिया का तो मेल्टडाउन हुआ ही हुआ, लेकिन इसी मीडिया ने जो बहुत दिलो जान से चाहती थी कि बीजेपी हारे और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज जीते, उन्होंने बीजेपी की जीत के लिए बड़े इंटरेस्टिंग रीजंस देना शुरू कर दिए हैं। विनिंग इलेक्शंस एंड मेनली इन द हार्टलैंड स्टेट्स ऑफ हिंदी एंड व्हाट वी जनरली कॉल्ड एज द गोमूत्र स्टेट्स। यू कैन नॉट कम टू साउथ इंडिया, यू सी ऑल द रिजल्ट्स ऑफ व्हाट हैपेंस इन तमिलनाडु, केरला, आंध्र, तेलंगाना एंड कर्नाटक। वी आर वेरी स्ट्रांग ओवर देयर। वेयर द स्टेट्स वेयर आर गोमूत्र स्टेट्स आर देयर, हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? आई एग्री विद हिम। रामचंद्र गुहा भी बोल रहे हैं कि भाई देखिए, साउथ इंडिया कितना बेहतर है, नॉर्थ इंडिया कितनी बकवास जगह है, बार बार साले बीजेपी को वोट करते रहते हैं नॉर्थ इंडिया वाले। अरे यार, वेस्ट इंडिया में जो गुजरात है, कर्नाटका है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं, उनको क्यों नहीं गाली पड़ रही? सिर्फ बेचारे हिंदी बेल्ट को क्यों पड़ रही हैं गालियां? देखिए, ये पुरानी टेक्निक है जो हम 2014 से देखते हुए आ रहे हैं अपोजिशन पार्टीज की और उनके सपोर्टर्स की, कि भाई अगर सत्ता हमारी नहीं हो सकती भारत में तो हम भारत को ही टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लगता है इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स सन्नी देओल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से सीखी है कि काजल, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। अगर इस देश पे मैं नहीं राज कर सकता तो मैं इस देश को ही खत्म कर दूंगा। वैसे सिर्फ साउथ के कुछ पॉलिटिशियंस और मीडिया वाले ऐसी बातें नहीं कर रहे, कुछ बंगाली नेशनलिस्ट भी निकल कर आए हैं हिंदी बेल्ट को गालियां देने के लिए। और फिर अगला एक्सक्यूज तो आपने शायद सुना ही हुआ होगा पहले। हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहाँ गया। जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है।
कुछ मीडिया वालों का तो इतना बुरा हाल हुआ है कि उनसे उनकी भावनाएं कंट्रोल में नहीं हो रही, लेकिन रोते रोते भी हिंदुओं को गालियां जरूर दे दे रहे हैं। गोइंग बियॉन्ड दैट, इफ यू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउ द स्टेट हैज वोटेड एट द मोमेंट, आई थिंक द अपर कास्ट वोट इज इन एनी केस अ लॉस्ट वोट फॉर द कांग्रेस। इट्स नॉट गोइंग टू टच इट। यू कैन डांस, यू कैन स्ट्रिप इन टेंपल्स, यू कैन वेयर धोतीज, यू कैन पुट टीकास, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। अब देखिए, कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ ऑब्जर्वर्स का कहना है ये एक फ्रीक रिजल्ट है, इसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लोगों ने ऐसे क्यों वोट किया? जनता पागल हो गई है क्या? मोदी जी ने इन स्टेट्स की नदियों के पानी में कुछ उल्टा सीधा मिला तो नहीं दिया? तो आइए आज हम इन इलेक्शन रिजल्ट्स को एनालाइज करके इन रिजल्ट्स के पीछे कुछ रीजंस को एक्सप्लोर करते हैं, और उन रीजंस को एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे ये लगता है कि शायद ये रिजल्ट्स 2024 के लिए एक काफी एक्यूरेट ट्रेलर हो सकते हैं। देखिए, 2024 में कुछ भी हो सकता है। अनलाइकली है कि बीजेपी 2024 का इलेक्शन हारे, लेकिन इलेक्शंस काफी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जैसा कि आपने इस हफ्ते देखा ही है। लेकिन कुछ स्टेटिस्टिकली ऑब्जर्वेबल ट्रेंड्स हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन, इन इलेक्शंस के पहले बीजेपी बड़े आराम से 2024 के इलेक्शन में 287 सीट्स जीत सकती थी और एनडीए अलायंस को 306 सीटें आती, लेकिन बीजेपी ने अभी तीन बड़े स्टेट्स को स्वीप किया है, जिसको अगर आप एक्सट्रापोलेट करें 2024 की तरफ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बीजेपी की जो सीटें हैं वो अगर इन तीन स्टेट्स को भी इंक्लूड किया जाए तो 300 भी पार कर सकती हैं। तो जिस तरह से बीजेपी ने इन इलेक्शन से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लगता है कि वो 2024 में भी ऐसा ही अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। क्यों? देखिए, there are several reasons. पहला सबसे बड़ा रीजन है प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी पिछले 10 सालों में घटी नहीं है, उल्टा बढ़ ही रही है। उनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस, उनका नेशनल प्रेजेंस, सब कुछ काफी स्ट्रॉन्गली ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट 43% ऑफ इंडिया ने कहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद से वो आज तक के सबसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। दूसरे नंबर पे इंदिरा गांधी आती हैं, जिनको सिर्फ 15% इंडियंस ने चूज किया है। तो नंबर वन और नंबर टू के बीच का आप गैप देख लीजिए कितना बड़ा है। 42% इंडियंस कहते हैं कि मोदी जी के अंदर जो काम किया गया है इंडिया में वो आउटस्टैंडिंग रहा है। 76% जो इंडियंस हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के काम से सेटिस्फाइड हैं, व्हिच इज अ ह्यूज नंबर। साहब चंगा सी। और जब लोगों से पूछा गया कि आप बीजेपी के लिए क्यों वोट करते हैं, तो 44% ने कहा मोदी जी की वजह से। अगर आप ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग को भी देखेंगे तो वो दुनिया के बाय फार सबसे पॉपुलर लीडर हैं। दूसरा रीजन है डेवलपमेंट। देखिए, कई पार्टीज डेवलपमेंट की बात जरूर करती हैं, लेकिन बीजेपी ने टेंजिबल डेवलपमेंट दिखाकर लोगों के दिलों में जगह बनाई है। हर एक इंडेक्स के मुताबिक इंडिया काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। हाल में ही रिपोर्ट किया गया कि इंडिया रिमेन्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। कोविड और इतने सारे इकोनॉमिक शॉक्स को झेलने के बावजूद S&P ने सजेस्ट किया है कि इंडिया 2030 में वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। इंडिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन भी चल रहा है इस समय पर। 2014 में इलेक्ट होने के बाद मोदी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाएंगे और हर एक घर में टॉयलेट प्रोवाइड करेंगे, और उस गोल को लार्जली इंडियन गवर्नमेंट ने अचीव कर लिया है। पिछले 9 सालों में अगर आप इंडियन रोड्स को भी देखें, जो आर्टरीज हैं एक तरह से भारत देश की, तो पिछले 9 सालों में इंडियन रोड नेटवर्क भी 60% से बड़ा है। इंडिया ने पिछले 9 सालों में 50,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे सिर्फ क्रिएट किए हैं। तो किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए और सस्टेन करने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनना जरूरी है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीजेपी गवर्नमेंट एक वॉर फुटिंग से काम कर रही है। नंबर 3, हिंदुत्व। हिंदुत्व बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा है। बीजेपी ने ना सिर्फ हिंदुत्व को सक्सेसफुली मार्केट किया है, लेकिन उस हिंदुत्व का इस्तेमाल करके बड़े पॉलिटिकल और कल्चरल चेंजेस लाए हैं देश में, और उस हिंदुत्व के प्रॉमिसेस पर बीजेपी क्लियरली डिलीवर भी कर रही है। उन्होंने CAA को पास करवाया, उन्होंने 500 सालों के बाद राम मंदिर बनवाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप करवाया, महाकाल कॉरिडोर डेवलप करवाया, मल्टीपल भारत के बड़े बड़े मंदिरों के आसपास वो बहुत भव्य कॉरिडोर्स डेवलप कर रहे हैं, जिन सबको बड़े बड़े हाईवेज, प्लेन रूट्स और ट्रेन रूट से जोड़ा जाएगा, और भारत की जो टेंपल इकोनॉमी है उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जाएगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बीजेपी की अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं जो टेंपल्स को स्टेट के कंट्रोल से छोड़ भी रही हैं। तो ये हिंदुत्व भी बीजेपी के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल गैम्बल रहा है। रीजन नंबर 4, मीनिंगफुल टारगेटेड स्कीम्स। बीजेपी ने कई स्कीम्स डेवलप की हैं और अलग अलग स्कीम्स को माइक्रो टारगेट करके उन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज में, अलग अलग डेमोग्राफिक्स में बहुत सक्सेसफुली डिलीवर किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उज्ज्वला योजना, जो गरीब परिवारों में LPG कनेक्शंस डिलीवर करता है।
आयुष्मान योजना जिसमें करोड़ों लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, जल जीवन मिशन जिसमें हर एक घर में वाटर सप्लाई दी जाएगी, और सिर्फ पिछले 4 सालों में ही आप देखिए कि कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं इस मुहिम के। और इस तरह के जो टारगेटेड स्कीम्स हैं जिससे गरीब से गरीब लोगों का भला हो रहा है, ये बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। और ऐसे डेमोग्राफिक्स जिनको शायद लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो बीजेपी को जाकर वोट देंगे, वो भी बीजेपी के एक बड़े वोटर बेस बन गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उज्ज्वला योजना जैसी जो स्कीम्स हैं उसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन और लाडली बहन जैसे स्कीम्स ने बीजेपी को एक नया और रिलायबल वोटर बेस दिया है, और वो है इंडियन वुमेन। बीजेपी पर अक्सर एक्यूजेशन लगाया जाता है कि बीजेपी एक पेट्रियार्कल पार्टी है, औरतों की इज्जत नहीं करती। वेरी स्पेसिफिक थिंग अबाउट दिस रिजीम व्हिच इज द बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट रिजीम इज दैट दे आर फंडामेंटली ब्राह्मिनिकल एंड पेट्रियार्कल। दे हेट डिसेंट बट दे हेट डिसेंटिंग वुमेन इवन मोर। तेरी मेहरबानिया के सीक्वल की हीरोइन भी यही बोल रही थी। आई नीड टू बी अ मैन टू बी एबल टू गिव इट बैक एज गुड एज इट गेट्स। सो आई थिंक दैट पैट्रियार्की कम्स आउट ऑन द थिंग। लेकिन इन इलेक्शंस में औरतों ने बहुत बड़ी मेजॉरिटी और बहुत बड़े नंबर्स में बीजेपी को वोट दिया है, और ये कोई रातों रात नहीं हुआ है। ये स्कीम्स जो पिछले 10 साल से गवर्नमेंट घर घर जाकर डिलीवर कर रही है, इस वजह से हुआ है। उसके ऊपर से जिस पार्टी को पैट्रियार्कल पार्टी बोला जाता है, सेक्सिस्ट पार्टी बोला जाता है, वो पार्टी औरतों को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे रही है। बीजेपी में हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन ऑफिस बेयरर्स हैं कंपेयर टू एनी अदर पार्टी। एनडीए की गवर्नमेंट में यूपीए 1 और यूपीए 2 के कंपैरिजन में ज्यादा वुमेन मिनिस्टर्स रहे हैं, और ये रिप्रेजेंटेशन क्लियरली औरतों को मैटर करता है, और औरतों का ये सपोर्ट हम इलेक्शन रिजल्ट्स में क्लियरली देख सकते हैं। महिला वोट 34 सीट्स में ज्यादा हुआ है इस बार, और बीजेपी के लीड करने के चांसेस उन सीट्स पे ज्यादा है, इसीलिए वो एज आउट विक्ट्री कर सकती है। वोटिंग फिगर्स शोस दैट वुमेन एंड ट्राइबल वोटर्स ओवरवेलमिंगली सपोर्टेड द बीजेपी। This hugely supplemented the party's traditional vote base among other backward caste, middle class and urban centers. यहाँ तक कि मोदी के क्रिटिक्स को भी ये बात माननी पड़ी है। वोट्स मध्य प्रदेश से आ रही थी, उसमें ग्रामीण इलाकों में बहुत अच्छा वो हुआ है, वोटिंग हुआ है, और खासकर महिलाओं ने किया है। तो जो लाडली बहन योजना है उसमें भी गेम चेंजर का काम किया है। तो जिस तरह औरतें बीजेपी के लिए एक रिलायबल डेमोग्राफिक बनकर निकली हैं, उसी तरह बीजेपी एक और नया डेमोग्राफिक डेवलप कर रही है जो उनके लिए वुमेन वोटर्स की तरह ही 2024 में बहुत काम आने वाला है, और वो डेमोग्राफिक है ट्राइबल डेमोग्राफिक। क्योंकि आपको तो पता ही है भाई, बीजेपी पर हमेशा आरोप लगाया जाता है कि भाई ये तो एक अपर कास्ट पार्टी है, ब्राह्मण बनिया पार्टी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि स्टैटिस्टिक्स ने दिखाया है कि बीजेपी एक अपर कास्ट पार्टी नहीं है, बल्कि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट को भी बहुत रिप्रेजेंटेशन मिली है बीजेपी के हर एक पार्टी लेवल पर। और इस साल 2023 में अगर हम इलेक्शन रिजल्ट्स को देखें, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को, तो शेड्यूल ट्राइब भी इनके लिए एक बड़ा वोटर बेस बनकर उभर रहा है। 2018 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 76 शेड्यूल कास्ट सीटों में से सिर्फ 19 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उन्होंने 44 सीटें जीती हैं। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 25 ट्राइबल डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसीज में से 21 सीटें जीती हैं। उसके ऊपर से 80% से ज्यादा ट्राइबल औरतों ने बीजेपी के लिए वोट दिया है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि औरतें कितनी स्ट्रांग तरीके से निकलकर बीजेपी को सपोर्ट दे रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक्चुअली ट्राइबल्स के लिए मेहनत की है, और ये बात ऑपोजिशन लीडर्स को भी माननी पड़ रही है। What has stood them in good stead is the program they launched for women and the way they went about it. They went to each household, they took a 10 rupee registration fee and they had forms filled in. And last but not the least, सबसे बड़ा ऑब्वियस रीजन है राहुल गांधी जी एंड द जनरल स्टेट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज। देखिए भैया, राहुल गांधी जी ऐसे आदमी हैं कि याहू के लिए काम करेंगे लेकिन सबको बता देंगे कि उनका डिफॉल्ट ब्राउजर गूगल है। राहुल गांधी जी ऐसे आदमी हैं कि मीडिया में जाके बोलेंगे कि भैया मैं तो वीगन हूँ, मैं जानवरों को कोई हानि होते हुए देख नहीं सकता, लेकिन 2 दिन के बाद इंस्टाग्राम पे जाके मटन बिरयानी की फोटो डाल देंगे। राहुल गांधी जी के पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज रही हैं बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन पता नहीं कैसे भाई साहब अंडरआर्म वाले फुलटॉस पे भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। राहुल बाबा जी मंदिर में जाके हिंदू होने का इतना नाटक करते हैं, लेकिन जब डीएमके के लीडर उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि वो सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, तब अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, अंडरआर्म फुल टॉस आया था उनके पास कि उदयनिधि स्टालिन को जोर से डांटे कि बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ भारत में सनातन धर्म जिंदा रहेगा, सनातन धर्म पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। बोल सकते थे राहुल बाबा ये सब, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि भाई इंडिया अलायंस ना खतरे में आ जाए कहीं। यही भाई साहब हैं जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद, उरी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सपोर्ट कर सकते थे आर्मी को, लेकिन प्रूफ मांगने में बिजी हो गए। यही भाई साहब हैं जो जब दूसरे देश इंडिया की इलेक्शन इंटेग्रिटी पे, इंडिया की डेमोक्रेसी पर सवाल खड़ा करते हैं तो इंडिया की डेमोक्रेसी के साथ खड़े होते, लेकिन नहीं, दूसरे देशों में जाकर दूसरे देशों के गवर्नमेंट्स को बोलते हैं कि आप
आइए और भारत की डेमोक्रेसी में इंटरफेयर कीजिए। इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि भाई ये समझे कि यार हमसे नहीं होने वाला, हमारी पार्टी में जो टैलेंटेड यूथ हैं, जो टैलेंटेड लीडर्स हैं, शायद उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए पार्टी को लीड करने की। लेकिन नहीं, सांप की तरफ फन लगाकर बैठे हुए बिल्कुल लीडरशिप की कुर्सी पे। हैं भैया, कुछ भी हो जाए हम नहीं हटेंगे। देखिए, तो इन कंक्लूजन इन इलेक्शन से हमें कुछ क्लियर ट्रेंड्स दिखे हैं। पहला ट्रेंड कि देखिए, द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। और जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो इसी तरह से इंसैनिटी में आ गई है, बार बार एक ही गलती करती है लेकिन बार बार उसी गलती को रिपीट करती रहती है, जैसा कि हमने इन इलेक्शन में भी देखा है। तो अगर इसी तरह से वो गलती करते रहेंगे तो 2024 में भी रिजल्ट कोई दूसरा तो आने नहीं वाला। और क्लियरली आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो है वो ना सिर्फ अपने करंट वोटर बेस को कंसोलिडेट कर रही है, जो वोटर बेस उनके लिए ऑलरेडी वोट करते हुए आ रहे हैं वो उन्होंने इस इलेक्शन में भी उनके लिए वोट किया है, लेकिन इस इलेक्शन में हमने नोटिस किया है कि उन्होंने दो नए वोटर बेस भी डेवलप किए हैं और वो है इंडियन वुमेन और इंडियन शेड्यूल ट्राइब्स। उन्होंने भी बड़ी तादाद में आकर बीजेपी के लिए वोट देना शुरू कर दिया है। और अगर यही ट्रेंड 2024 में भी जाता है तो ऑपोजिशन के लिए मोए मोए ही होने वाला है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी के हार्ड वर्क की वजह से, बीजेपी जिस तरह से नए नए वोटर बेसिस डेवलप कर रही है पुराने वोटर बेसिस को कंसोलिडेट करने के साथ, और ऑपोजिशन की इंसैनिटी की वजह से ये जो इलेक्शंस हुए हैं हाल में ही, ये 2024 के लिए काफी एक्यूरेट ट्रेलर साबित हो सकते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि जो रिजल्ट्स हमने इन असेंबली इलेक्शंस में देखे हैं, क्या उसी तरह के रिजल्ट्स आप 2024 के जनरल इलेक्शंस में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि 2024 के जनरल इलेक्शंस में किस पार्टी की जीत होने वाली है, किसको कितनी सीटें मिलने वाली है? अपने प्रेडिक्शंस नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप शाम शर्मा शो का नया पॉडकास्ट चैनल चेकआउट करना चाहते हैं तो जरूर उसको जाकर चेकआउट करें, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। मैंने हाल में ही सिफोलॉजिस्ट यानी इलेक्शन को स्टडी और प्रिडिक्ट करने वाले जर्नलिस्ट प्रदीप भंडारी से बात की है, जिन्होंने पिछले 5 सालों में इलेक्शंस के बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शंस दिए हैं, और उनसे काफी डिटेल में बैठकर मैंने इन इलेक्शंस को एनालाइज किया है और आने वाले 2024 इलेक्शंस को भी एनालाइज किया है। तो अगर आप उस पॉडकास्ट को चेकआउट करना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए गए पॉडकास्ट चैनल के लिंक पर क्लिक करें, पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और पॉडकास्ट को एंजॉय करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सकल प्रणाम।